नमस्कार। साधक भोगों से वैराग्य को प्राप्त कब होता है तथा इस संसार में भोगों के कितने प्रकार हैं? श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने दूसरे अध्याय के 52वें श्लोक में इन दोनों प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। भगवान कहते हैं कि यदाते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति तदागन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को तर जाएगी, उसी समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाए। शरीर को महत्व देना, ममता करना तथा शरीर संबंधों, माता पिता, भाई बहन, स्त्री पुत्र, वस्तु पदार्थ आदि में ममता करना मोह है। अनुकूल पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, घटना आदि के प्राप्त होने पर प्रसन्न होना तथा प्रतिकूल पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति आदि के प्राप्त होने पर उद्विग्न होना, संसार में, परिवार में विषमता, पक्षपात आदि विकार होना, यह सब कलिल अर्थात दलदल हैं। इस मोह रूपी दलदल में जब बुद्धि फंस जाती है तब मनुष्य किं कर्तव्य मूड हो जाता है, फिर उसे कुछ नहीं सूझता। मनुष्य स्वयं चेतन होता हुआ भी शरीर आदि जड़ पदार्थों में अहमता ममता करके उनके साथ अपना संबंध मान लेता है, पर वास्तव में वह जिन वस्तुओं के साथ संबंध जोड़ता है वह वस्तु इसके साथ सदा नहीं रह सकती और वह भी उनके साथ सदा नहीं रह सकता, परंतु मोह के कारण उसकी इस ओर दृष्टि ही नहीं जाती। प्रत्युत वह अनेक प्रकार के नए नए संबंध जोड़कर संसार में अधिक से अधिक फंसता चला जाता है। जैसे कोई यात्री अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने से पहले ही मार्ग में अपना डेरा डालकर खेल कूद, हंसी मजाक आदि में अपना समय बिता दे, ऐसे ही मनुष्य यहाँ के नाशवान पदार्थों का संग्रह करने में और उनसे सुख लेने में तथा परिवार आदि में ममता करके उनसे सुख लेने में लग जाता है। यही उसकी बुद्धि का मोह रूपी कलिल में फंसना है। जब साधक का स्वयं ये दृढ़ निश्चय हो जाता है कि उसे संसार के मोह रूपी दलदल में नहीं फंसना है तथा स्वयं का कल्याण करना है, तब साधक का यह दृढ़ निश्चय ही उसकी बुद्धि को इस मोह रूपी दलदल से निकाल सकता है। मोह रूपी दलदल से निकलने के दो उपाय हैं, एक विवेक और दूसरा सेवा। विवेक असत विषयों में अरुचि करा देता है और सेवा का भाव जितना तीव्र होगा उतना ही अपने सुख की इच्छा का त्याग होगा। जैसे शिष्य की गुरु के लिए, पुत्र की माता पिता के लिए, सेवक की स्वामी के लिए सुख पहुंचाने की इच्छा हो जाती है तो उनकी अपने सुख आराम की इच्छा स्वतः सुगमता से मिट जाती है। ऐसे ही कर्म योगी का संसार मात्र की सेवा करने का भाव हो जाता है तब उसकी अपने सुख भोग की इच्छा स्वतः मिट जाती है। विवेक विचार के द्वारा अपनी भोगेच्छा को मिटाने में कठिनाई हो सकती है। यदि विवेक विचार अत्यंत दृढ़ ना हो तो वह तब तक ही काम देता है जब तक भोग सामने नहीं आते। जब भोग सामने आते हैं तब साधक प्राय उनको देखकर विचलित हो जाता है, परंतु जिसमें सेवा भाव दृढ़ होता है उसके सामने बढ़िया से बढ़िया भोग आने पर भी वह उस भोग को दूसरों की सेवा में लगा देता है, अतः उसकी अपने सुख आराम की इच्छा सुगमता से मिट जाती है। इस श्लोक में भगवान ने दो प्रकार के भोग बताए हैं, श्रुतस्य और श्रोतव्यस्य। जिन्हें मनुष्य ने सुना है, भोगा है, अच्छे प्रकार से अनुभव कर लिया है वे भोग श्रुतस्य हैं। स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक आदि के जितने भी भोग सुने जा सकते हैं वे सभी भोग श्रोतव्यस्य हैं। भगवान कहते हैं कि जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को तर जाएगी तब इन लौकिक और पारलौकिक भोगों के विषयों से तुझे वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। तब बुद्धि में विवेक जागृत हो जाता है कि संसार प्रतिक्षण बदल रहा है और मैं वही रहता हूँ, अतः इस संसार से मुझे शांति कैसे मिल सकती है, मेरा अभाव कैसे मिट सकता है। तब श्रुत और श्रोतव्य जितने विषय हैं उन सबसे स्वतः वैराग्य हो जाता है। यहाँ भगवान का यदा और तदा कहने का तात्पर्य है कि इन श्रुत और श्रोतव्य विषयों से कितने वर्षों में, कितने महीनों में और कितने दिनों में वैराग्य होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। प्रत्युत जिस क्षण बुद्धि मोह कलील को तर जाएगी उसी क्षण श्रुत और श्रोतव्य विषयों से
भोगों से वैराग्य हो जाएगा। आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट व शेयर करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी अवश्य दबाएं। धन्यवाद।